हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। जरा यूएस प्रेसिडेंट का ये बोल सुनो। But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian. वो साफ साफ कह रहे हैं कि रशिया का सिर्फ एक मूव उसके लिए तबाही ला सकता है। एंड माइंड यू, ऐसा कहने वाला यूएस अकेला नहीं है, नेटो यूनियन के 30 मेंबर्स का भी ऐसा ही कुछ कहना है। लेकिन आखिर क्यों आज दुनिया के 30 बड़े देश रशिया को तबाह कर देने के पीछे तैनात खड़े हैं? क्या ऐसे सिचुएशन में 1971 इंडो पाक वार में इंडिया की मदद करने वाले यूएस के सबसे खतरनाक 7th फ्लीट को इंडियन ओशियन में घुसकर इंडिया को धमकाने पर अपने नेवीज को इंडिया के मदद के लिए भेजने वाले क्या रशिया की दोस्ती की खातिर इंडिया भी रशिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा? क्या इंडिया को भी रशिया का फिर एक बार यूएसएसआर बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके खातिर रशिया ने आज यूक्रेन को पूरी तरह से घेर लिया है? और इसकी पहली झड़क 19 दिसंबर 2021 में रशिया और फिनलैंड के बीच हुए आइस हॉकी मैच में दिखी थी, जहां रशियन टीम यूएसएसआर की जर्सी में खेल रही थी। वेल, आपके इन्हीं सारे सवालों का आज जवाब देंगे इन टुडेज विन योर टाइटल्स, विल रशिया इन्वेड यूक्रेन। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेटो क्या है। दरअसल वर्ल्ड वार टू के कुछ सालों बाद ही कोल्ड वार शुरू हो गया था और पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट कंट्री में बढ़ रही थी, जिसमें सोवियत रशियन बॉर्डर्स के देशों ने कम्युनिस्ट साइड को ज्वाइन किया और बन गया यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, यूएसएसआर। और वहीं दूसरी ओर ज्यादा से ज़्यादा देशों को अपने तरफ करने की कोशिश में अप्रैल 4, 1949 में यूएस उसके अलायंस ने नेटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ताकि यूएसएसआर बचे हुए यूरोपियन कंट्रीज लाइक वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लेविया, स्विट्जरलैंड को अपने तरफ ना ले पाए और फ्यूचर मिलिट्री एग्रेशन से बच पाए। लेकिन इसी दौरान वो हुआ जो शायद किसी से नहीं सोचा था। 1991 में यूएसएसआर कई अलग अलग इंडिपेंडेंट देशों में बट गया। इसमें करंट ईस्टर्न यूरोपियन लाइक रोमानिया, बल्गेरिया, पोलैंड, यूक्रेन एक्सेट्रा मौजूद थे। एंड इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने धीरे धीरे नेटो ज्वाइन करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट यूक्रेन। और आज नेटो में 28 यूरोपियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और 1 यूरोशियन कंट्रीज हैं, जिन्हें नेटो ट्रीटी के तहत शेयर मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज से हेल्प करता है, जिसका सबसे अहम उद्देश्य है ईस्टर्न यूरोप में रशिया के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में रखना। और इस बात से रशिया बिल्कुल असहमत है, क्योंकि ईयू में नेटो के प्रेजेंस को रशिया खुद पर एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। पर अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर नेटो के मेंबर्स रशिया को इतनी कड़ी चेतावनी क्यों दी? वेल, इट्स ऑल बिगेज रशिया ने दिसंबर 2021 से यूक्रेन के बॉर्डर्स पर भयानक मिलिट्री बिल्डअप शुरू कर दिया था, जिससे आज वहाँ 1,30,000 से भी ज़्यादा रशियन ट्रूप्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री व्हीकल्स और फील्ड हॉस्पिटल्स डेरा जमा कर बैठे हैं। और इसे देखकर नेटो का पहला असेसमेंट रहा इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन की तबाही, क्योंकि नेटो का मानना है कि रशिया मिड फरवरी 2022 तक फुल स्केल इन्वेजन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके मिलिट्री बिल्डअप ने आज यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर लिया है। और जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है यूक्रेन पर रशिया का इन्वेजन एक असली संभावना बन चुकी है। बट पोक करेगा या नहीं? वेल, जिन्हें रशिया की हिस्ट्री पता है उन्हें इस सवालों का जवाब अच्छे तरह से पता होगा।